नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व वीडियो में हमने काव्य लक्षण का अध्ययन किया है। काव्य लक्षण के विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। संस्कृत के आचार्यों के मत, पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनके मत और हिंदी के विद्वानों के मत है। हमने पूर्व वीडियो में संस्कृत मत का अध्ययन किया। आज हम पाश्चात्य मत व हिंदी मत का अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के क्या लक्षण बताए हैं देखते हैं। वर्ड्सवर्थ ने बताया कि शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह ही कविता है, इसी को उन्होंने काव्य माना है। दूसरे विद्वान है शैली, उन्होंने कहा विषादमय क्षणों की अभिव्यक्ति ही कविता है, यानी विषाद में जो क्षण है उनकी जो अभिव्यक्ति होती है उसी को उन्होंने काव्य माना है। तीसरे विद्वान कार्लाइल, उन्होंने कहा काव्य संगीतमय विचार है, यानी संगीतमय विचार को ही उन्होंने काव्य की उपमा दी है। चौथे विद्वान हडसन, उन्होंने कहा ये कविता को जीवन की व्याख्या मानते हैं जो कल्पना और भावना के द्वारा ही निर्मित होती है, यानी जीवन की व्याख्या करने वाला जो काव्य हो गया उसी को उन्होंने काव्य की उपमा दी, कविता की उपमा दी। अगले विद्वान ड्राइडन ने काव्य को संगीत माना है। अगले विद्वान मैथ्यू ऑर्नल्ड, इन्होंने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। तो ये पाश्चात्य विद्वानों के मत थे। इतने ही पर्याप्त प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप नोट कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा उसमें थोड़ा सा आप तुलनात्मक रूप से इसको लिख पाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी प्राप्त होंगे। हिंदी के आचार्यों के मत देखिए, माहिर प्रसाद द्विवेदी ने मत दिया कि शिक्षित जो कवि है उनकी उक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। वो कहते हैं कि यदि कविता में चमत्कार ही नहीं, कोई विलक्षणता नहीं होगी तो उससे पाठक को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक स्थान पर उन्होंने इसे सादगी, असलियत और जोश से संबंधित रचना को ही काव्य माना है, यानी रचना में सादगी हो, असलियत हो और जोश से समन्वित जो रचना है उसी को उन्होंने काव्य माना है। अगले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उन्होंने मत स्पष्ट किया कि हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की जो सृष्टि करे वो ही काव्य हैं। मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने कहा काव्य जीवन की आलोचना है, यानी जीवन की आलोचना जो रचना करे उसी को उन्होंने काव्य माना। अगले विद्वान जयशंकर प्रसाद, उन्होंने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति माना है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है। वह सत्यम, शिवम, सुंदरम, सार्वजनिकता, चिरंतनता, अनुभूति और आदर्श की एक समष्टि है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इनको आप नोट भी कर लेना। डॉक्टर गुलाब राय ने मत दिया है काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई है। श्रेय की प्रिय रूपता प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, उसी को उन्होंने काव्य माना है। अगले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत अच्छी परिभाषा है काव्य की, ये कंपटीशन में कई बार पूछी गई है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कह, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसी को कविता कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों,
काव्य लक्षण के पाश्चात्य मत, हिंदी मत व संस्कृत मत, तीनों का अध्ययन हमने दोनों वीडियो के माध्यम से कर लिया है। इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इकाई प्रथम में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद और साथ साथ काव्य हेतु भी है। तो हम अगले वीडियो में काव्य हेतु व काव्य प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।